नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी के निधन पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने शोक जताया है। पप्पू यादव ने कहा कि बुरे लोग तो बहुत दिन जिंदा रह जाते हैं, अच्छे लोग चले जाते हैं। सामाजिक न्याय, सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, संघर्ष के प्रतीक, ऐसे विचारों के लोग अब कहां बचे हैं। इस दौरान पप्पू यादव ने गुरुवार 12 सितंबर को मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के एक पोस्ट का भी जवाब दिया। दरअसल जीतनराम मांझी ने एक्स पर अपने एक पोस्ट में लिखा कि राहुल गांधी का बयान देशद्रोही का बयान है, उन पर मुकदमा होना चाहिए। इस पर पप्पू यादव ने कहा कि जीतनराम मांझी हमारे बुजुर्ग है, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा। पप्पू यादव ने कहा, राहुल गांधी ने सही बात कही है, राजनीति अपरिपक्व से नहीं चलती है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम चुनाव की बात करेंगे ही नहीं, करना ही चाहिए। जिस तरह से चुनाव की प्रक्रिया को टाला जा रहा है, महाराष्ट्र को टाला, वायनाड को टाला, कई विधानसभा के चुनाव को टाला जा रहा है, मतलब आपके अनुसार हो तो चुनाव हो और नहीं हो तो चुनाव नहीं हो। जो चुनाव हुआ है वो फेयर नहीं हुआ है, तो उन्होंने जो बात कही है सही कही है। सांसद पप्पू यादव ने कहा कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान के लोगों के बीच जब हम बात करते हैं तो हमारे लिए उचित प्लेटफॉर्म है, हम अच्छा कर सकते हैं। राहुल गांधी जो देश की सद्भावनाओं और व्यवस्थाओं के बारे में जो बता रहे हैं वो सही बात है। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, कोई भी देशभक्त विदेशी धरती पर जाकर जनता की चुनी गई सरकार पर अभद्र टिप्पणी नहीं कर सकता। राहुल गांधी जी का बयान एक देशद्रोही का बयान है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। रही बात आरक्षण की, तो नरेंद्र मोदी जी के रहते किसी राहुल गांधी की हैसियत नहीं कि देश से आरक्षण खत्म कर दे। अब जिस तरीके से पप्पू यादव ने भी जीतनराम मांझी का विरोध कर दिया है, क्या ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी या फिर नहीं। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज।